अभी हम लोग गोतियापाड़ा में नमाज समापन हो गया। हम देख सकते हैं नमाज पढ़ के, ईद की नमाज पढ़ते हुए सारे शांति से बाहर आ रहे हैं। आइए देखिए, डॉक्टर हाँ बोलो। आ जाओ सब सिराज भाई, गोतिया पहाड़ के गोतिया। वो कई जमाने से इस मस्जिद में उनका बड़ा अवदान है, उनका परिवार का अवदान है। और ये एक ऐसा मस्जिद है जब महिला भी पढ़ती हैं, पुरुष भी पढ़ते हैं। तो सर आज जो ईद मनाई गई इसके बारे में बताएंगे। पहले तो मैं आपको सभी को उड़ीसा वासियों को ईद का मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे जो यहाँ पे लेडीज लोग पढ़ते हैं उनका अलग मस्जिद है और जेंट्स लोगों का अलग मस्जिद है। और सबको आज ईद में मैं खुशी से ईद का ये कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ईद में सब कुछ खुशी मनाएं और भाईचारा का पैगाम जाए और ईद में सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने देखा सिराज भाई ने कहा मैं हर किसी को अपना भाईचारा का ईद मुबारक करता हूँ और सबके साथ परिवार उड़ीसा वासियों को मैं ईद का पैगाम देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। चलिए थैंक यू। हर धर्म के इंसान को मैं ईद के लिए मैं भाईचारा का बने रहे और ईद का मुबारकबाद। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सर, आपकी आवाज़ संबलपुर जैसे।